एडवांस एक्सेल सीरीज के अंतर्गत हमने पिछली क्लासेस में समझा था कैसे हम एडमिशन लें और जो एडमिशन हम ले रहे हैं वो हमारे डेटाबेस में कैसे सेव हो रहा है। ये पूरा कंसेप्ट हमारा पिछले क्लासेस में हो गया था, यानी जब हम यहाँ से एडमिशन ले रहे हैं, जैसे एसएससी कोर्स में हम एडमिशन लेते हैं। फिलहाल के लिए एक बार में देख लेते हैं। सबसे पहले हम नाम यहाँ पर डालेंगे। उदाहरण के तौर पर हमने डाला रवि मेवाड़ा। पिताजी का नाम हम डालेंगे जो भी है। बेच का टाइम हम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे। एड्रेस हम डालेंगे। देन ओके करते हैं। जैसे ओके करेंगे तो एससी में एडमिशन 8 नंबर तक का था, 9 वा एडमिशन हो चुका है। तो ये तो क्लियर होता है हमारा एडमिशन पैरामीटर। यदि आपको यहाँ पर कोई फील्ड एक्स्ट्रा लगना है, ऐसा कोई फील्ड लगता है कि ये होना चाहिए, तो आप एडमिशन पैरामीटर में ऐड कर दीजिएगा, कहीं कोई इशू नहीं है। आज का वीडियो समझने के लिए पहले वाले वीडियो को आपको वॉच करना पड़ेगा, और जितने भी हमारी क्लासेस है सब लिंक है एक-एक हर क्लास से, यानी आप बीच में भी देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, ऐसे व्यूवर्स भी होते हैं जो यहीं से क्लास को वाच करते हैं, तो शायद है कि उनको ये क्लास कंटेंट समझ में नहीं आएगा। तो हमारा कहना है कि आप पहले उन वीडियोस को देखिए पहले, है ना, इसके बाद इस वीडियो पर आइए। चलिए, तो हम एडमिशन पैरामीटर को यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं फीस स्लिप की। तो अब हमें यहाँ पर फीस स्लिप डिज़ाइन करना होगा, और इसका डिज़ाइन का पैरामीटर क्या है, क्या आप चाहते हैं फीस स्लिप में, वो यहाँ पर आप डिज़ाइन कर लीजिए। तो हम सबसे पहले तो नाम ही है, तो ये नाम तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया और फीस स्लिप पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब फीस स्लिप कितना बड़ा होगा वो हम निर्धारित कर सकते हैं। छोटा सा स्लिप हम देंगे, यानी ये भी हम निर्धारित इसमें कर लें कि एक पेज के अंतर्गत तकरीबन 3 स्लिप निकल जाए। हम अपने इंस्टीट्यूट का बहुत छोटा स्लिप देते हैं इस प्रकार से। इसका उद्देश्य पेपर को कम से कम ही यूज़ करें, क्योंकि जितना कागज़ यूज़ होगा सीधी सी बात है कि हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं नुकसान होगा होता है, क्योंकि पेड़ के कटने से, पेड़ से ही हमारे कागज़ बनते हैं। तो हमारा उद्देश्य पूरा यूटिलाइज करना होता है। जैसे ये पेज भी अटेंडेंस के आप देख पा रहे हैं, तो ये वो रफ पेज हैं जो पहले यूज हो गए हैं, जैसे आधार कार्ड का। अब इनका कोई मतलब नहीं रहा, तो हमने क्रॉस करके और अटेंडेंस पेज निकाल दिया, यानी दोनों तरफ हमने यूज किया। तो कोशिश ये भी करना है हमें कि चूंकि हम सब वर्चुअल कर ही रहे हैं, तो फिर हम प्रकृति को भी ध्यान में रखें फिलहाल के लिए। तो छोटा सा हमें स्लिप बनाना है ताकि एक पेज पे और कंटेंट भी पूरा आ जाए, अच्छा भी लगे, स्टूडेंट को रखने में भी आसानी रहे, प्रिंट भी व्यवस्थित तरीके से, यानी हमारा काम भी हो जाए, स्टूडेंट का काम भी हो जाए, प्रकृति को कम से कम नुकसान हो, यानी जो जरूरत है वो तो जहां लगना वो तो लगना ही है। चलिए, तो फिलहाल के लिए हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। कोई भी कलर पैरामीटर हम ले लेंगे यहाँ पर, ये हमने लिया। और बाकी पूरा सीट का थोड़ा सा हम पहले ये करते हैं कि इस पूरे सीट सेशन का एक कोई कलर दे देते हैं, ये हमने कलर दे दिया है। और अब हम अपने स्लिप का कोई कलर देंगे। चलिए, ये हमने दिया है। ये थोड़ा डिफरेंट हम दे देते हैं। अब यहाँ से इतने में हम स्लिप को डिजाइन करेंगे, तो इसका अभी फिलहाल के लिए ऑल बॉर्डर कर देते हैं फिलहाल के लिए, बाकी हमें इसकी जरूरत नहीं लगेगी। जहाँ जरूरत लगेगी वहाँ वैसा वैसा हम सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारा एनरोलमेंट नंबर आ जाए। जब एनरोलमेंट आ जाएगा तो हम उस स्टूडेंट का डेटा एक्सेस कर पाएंगे, जैसे नेम, फादर नेम, एक्स्ट्रा बाकी चीज़ें। तो एनरोलमेंट का हम जो सीरीज लिए हुए हैं, जैसे हमारा सबसे पहले तो कोर्स कौन सा है, एसएससी का है। अब जो स्लिप बनेगी वो फीस स्लिप एक ही पैरामीटर चाहते हैं, लेकिन जो फीस है वो वहीं से आए जो जिस सीट पर है फिलहाल के लिए। तो जैसे हम एसएससी का है, तो एक एसएससी का यहाँ पर एनरोलमेंट जनरेट कर कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया, देन
थ्री स्लीप पर जाते हैं और यहाँ पर कहीं पे भी सिर्फ श्रीज क्या है इसके लिए हम इसको पेस्ट एज ए वैल्यू कर लेते हैं। तो इसमें एस है, एसएससी का एस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने कोर्स को डिफाइन कर लें। तो जो कोर्स हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसका ड्रॉप डाउन बना लेंगे, या ड्रॉप डाउन पहले से बना हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी हमने यहाँ पर भी एडमिशन वाले पैरामीटर पे भी ये टाइप किए थे। ज़्यादा अच्छा है कि कहीं पर आप अपने कोर्स को डिफाइन कर दीजिए, वहीं से उठाइए। जैसे हम कौन कौन से कोर्स हैं, तो अवर कोर्स यहाँ पर हमने एडमिशन वाले में डाल दिया। कोर्स कह सकते हैं या कंटेंट, आप क्या क्या किन एग्जाम्स की तैयारी आप करवाते हैं वो आप जो भी इसको करना चाहिए। जैसे हमने दे दिया एसएससी, एमपी पुलिस, क्योंकि हमने ये डिफाइन किया है एमपी पुलिस, ऑल एग्जाम, बैंक है तो वो भी आप इसी प्रकार बना देंगे। अब इसमें डैश लगा है तो हम यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि डैश ही लगा दें एज इट इज, और अदर। ठीक है, ऑल एग्जाम में वैसे सब हो जाएगा, अदर की जरूरत नहीं है। तो ये कोर्स यहाँ लिखे हुए हैं, तो इससे क्या होगा कि जब फी स्लिप पे यहाँ हम ड्रॉप डाउन बना रहे हैं, सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम डेटा में चले जाते हैं, डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, ये लिस्ट हमने लिया है। देन सोर्स को क्लिक करना है, और कहाँ है हमारा सोर्स, तो हमारा सोर्स है एडमिशन में, ये सोर्स है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से। यहाँ हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट किया, देन इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा लिस्ट यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। ये आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे एसएससी आ गया है। अब जब इनरोलमेंट नंबर बना रहे होते हैं तो हमें एसएससी का एस चाहिए। इसके बाद हमने क्या लिया है, 22, यानी ईयर कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पर ईयर हम रख लेते हैं 2022, वो हमने रख दिया यहाँ पर। किस सेशन में है, तो यहाँ पर हम सेशन डिफाइन कर रहे हैं वही डेटा वैलिडेशन में जा करके, और लिस्ट में जा करके हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया जुलाई कॉमा जनवरी। ओके, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा जुलाई जनवरी। तो अभी जनवरी में हमने एडमिशन लिया है, उसका हम रिकॉर्ड चाहेंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे कि स्टूडेंट का नंबर कौन सा होगा। और इसके बेसिस पर हम क्या चाहते हैं, इनरोलमेंट नंबर, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं एनरोलमेंट, जो जनरल हो गया, एनरोल ओनली शॉर्ट भी दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एनरोल डैश लगा देते हैं। अब इस पूरे सेल एड्रेस में हम एनरोल को जनरेट करेंगे, एनरोलमेंट नंबर को, और वो ऑटोमेटिक करेंगे। तो हम इसको चाहें तो आप मर्ज करिए, ना तो आप क्या करिए, बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, बिना मर्जी किए ही हम काम कर दें। तो इसका जो बॉर्डर है उसको हम नो बॉर्डर कर देंगे, और आउटसाइड भी बॉर्डर है इसलिए ऑल बॉर्डर कर देंगे, आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे, तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा रोचक व्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए डेटा अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं ताकि ये दिखाई दे, पर यहाँ पर हम इनरोलमेंट चाहते हैं। तो इनरोलमेंट के लिए हम यहाँ पर कंडीशन वही लगाएंगे, क्या करें, इक्वल कहाँ से, लेफ्ट से, लेफ्ट से डेटा रहे किसके, एसएससी का हमने सबसे पहले लिया एस, तो हम इस सेल एड्रेस को देंगे B7 कॉमा कितना, वन कैरेक्टर कॉमा जनवरी जुलाई का, यानी क्या आ जाए C7 का कितना लेटर आ जाए, टू आ जाए, तो लेफ्ट हमने टू दिया, सॉरी सॉरी एंड लगाएंगे, ये तो पहला हो गया, एंड लगाएंगे, फिर हम इसको देंगे लेफ्ट, लेफ्ट किसमें से, हमने दिया सेल एड्रेस C7 कॉमा, इसका कितने कैरेक्टर चाहिए, हमें दो चाहिए, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे एस जे आ गया, सॉरी इसमें बीच में हमें 22 भी है, तो 22 लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एंड लगा करके हम दे देंगे राइट का फॉर्मूला, राइट किस में, इससे राइट में चाहिए, यानी कि A7 का राइट चाहिए, इस सेल का राइट चाहिए, बाकी का लेफ्ट चाहिए, तो राइट कितने कैरेक्टर चाहिए, टू कैरेक्टर चाहिए, कोष्ठक बंद करेंगे, एंड ऑलरेडी लगाइए, फिर लेफ्ट लगा देंगे, तो आप देख रहे हैं एस 22 जे यहाँ पर आ गया, इसके साथ में ये एड्रेस चाहिए, इसमें तो हम नंबर देंगे ही, तो यहाँ पर एंड लगा करके आप लगा दे दीजिए एड्रेस एंड
ये सेल एड्रेस यानी कि कौन सा है, D7। तो आप देख पा रहे हैं कि इनरोलमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। और जब इनरोलमेंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए तो हम यहाँ पर लगाएंगे वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप हमने पहले भी बहुत कई वीडियोस इसके बनाए हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं। वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप। अब वी लुकअप काम कैसे करता है इसको समझना है। तो हमारी जो डेटा सीट है, हमारी डेटा सीट है, इस इनरोलमेंट के वर्टिकल में ऐसे चलेगा कि इस इनरोलमेंट को देखे और इसके आधार पर इसके जो कॉलम है, यहां से वन कॉलम स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट कॉलम इंडेक्स है, तो इस फर्स्ट से देखे और इस पूरे टेबल सेशन में यहां से पांचवें नंबर का कोई वैल्यू चाहिए, छठे नंबर का कोई वैल्यू चाहिए, तो वो उठा करके वो अरेंज करके हमें दे दे। तो यहां इस टेबल सीरीज में हम ये देखते हैं कि पूरे टेबल सीरीज में हमारा नाम किस कॉलम में है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, यानी हम देंगे इसको टेबल इंडेक्स नंबर 5। ठीक है, चलिए। तो अब हमें पूरा वी लुकअप हम लगा रहे हैं, चाहे तो हम यहाँ पे वी लुकअप लगा सकते हैं। इसको समझने के लिए देखिए क्या करेंगे, इक्वल इक्वल वी लुकअप। सबसे पहले पूछेगा लुकअप वैल्यू, किसको लुक करना चाह रहे हैं। तो हम जैसे कह दिया कि हमें इस सेल का एड्रेस चाहिए, तो ये लुकअप हो गया, कॉमा, या हम इसको कहीं टाइप करें और फिर ये लुकअप कर दें, तो हम ये एक एड्रेस दे देते हैं सीट 12, यानी इसको लुकअप करें। अब सीट 12 में अभी कोई फिलहाल वैल्यू नहीं है, हम टाइप करके आपको बताएंगे। तो सीट 12 कॉमा टेबल अरे। तो टेबल अरे कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहां से इनरोलमेंट से, यहां से सिलेक्ट नहीं करिएगा, यहां से तब सिलेक्ट करिएगा जब सीरियल नंबर के आधार पर लुकअप करना चाहते हैं। तो अभी हम लुकअप किसके आधार पर करना चाह रहे हैं, इनरोलमेंट नंबर, जो किस कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में। तो हम यहां पर इसी से टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं, इतने टेबल को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, टेबल सिलेक्ट किया यानी B1 से J11, B1 यहाँ और J11 यहाँ, यानी ये पूरा सेशन सिलेक्ट हो गया है। कॉमा लगाएंगे, अब बोल रहा है ये कॉलम इंडेक्स, किस कॉलम को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। 1, 2, यहां से काउंट करिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, हम देंगे 5 कॉमा। अप्रोक्स मैच करें या एग्जैक्ट मैच करें, तो हमने कहा अप्रोक्स मैच करें, तो इसके लिए हम देंगे 0, 1, कोष्टक 1 और एंटर करेंगे। सॉरी, ये 1 देने की जरूरत नहीं, 0 देकर के एंटर कर दीजिए बस। अब ये देखो हेज ना दे रहा है, हेज ना क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। आप हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा S22 JA और 1। अब देखिए ये 1 का जो एनरोलमेंट नंबर, 1 जो एनरोलमेंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम श्री है। यदि आप यहां पर देते हैं 2 या 4 देते हैं, तो 4 का नाम क्या है, अमित, यानी यहां पर क्या आ जाना चाहिए, अमित आ जाना चाहिए। 4 दिया, अमित आ गया बस। तो यही हमारा फॉर्मूला है फिलहाल के लिए, अभी हम इसको हटा रहे हैं। और ये फॉर्मूला यहां ना लगा करके कहां लगा देंगे, फी स्लिप पर, क्योंकि हमें यहां पर नेम चाहिए स्टूडेंट का। इस फील्ड का नाम दे देंगे हम नेम ऑफ स्टूडेंट या नेम ओनली, जैसा भी चाहे वो हम देंगे। और यहाँ हम स्टूडेंट का नाम चाह रहे हैं इतने पैरामीटर में, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, नो बॉर्डर करेंगे, और आउटसाइड बॉर्डर चाह रहे हैं इसलिए आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। यहाँ हम नाम चाह रहे हैं किसके आधार पर चाह रहे हैं, इक्वल वी लुकअप, किसके आधार, लुकअप वैल्यू क्या, ये इनरोलमेंट नंबर है हमारा जो इस सेल में बैठा हुआ है, यानी C8 के आधार पर। लेकिन क्या बोल रहा है, सेकंड कॉमा लगाते क्या बोला, टेबल अरे, वो टेबल अरे कहाँ है, तो वो टेबल अरे हमारा SSC में, तो हम यहां पर जाएंगे। अब यहां से कहां तक, इस बात को समझिएगा, B1 से तो कितना, पूरे सेल एड्रेस में। तो हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करेंगे, तो ये पूरा रेंज है, एक बार वो डाउन करेंगे तो पूरा आ जाएगा ये। और इधर कहां, तो इधर भी हमने पूरा सेल रेंज सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट राइट चलना है, टॉप डाउन चलना है, तो ये पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हो गया है B से J तक, यानी B का पूरा कॉलम 10,48,000 पूरे रो, और कॉलम भी 16,000 पूरे, वो सिलेक्ट 16,000 सॉरी कॉलम नहीं किया है, जे तक बी से कॉमा, किस कॉलम का आप नंबर चाह रहे। तो कॉलम हमारा वही है 5 5 कॉमा 0 कोष्टक बन, देन एंटर। आप पाएंगे कि यहां पर नाम ऑटोमेटिक आ गया है, सेम पिताजी का नाम चाहिए, तो पिताजी का नाम किस कॉलम में बैठा है, 6 नेक्स्ट ही है। तो आप ये भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को कॉपी करिए कंट्रोल C से,
एंटर करेंगे पहले, कॉपी करने के बाद एंटर वैसे करिएगा। यहां पर लगा देते हैं हम सन ऑफ डॉटर ऑफ के लिए ऑब्लिक ऑब्लिक ऑटोमेटिक लगा देंगे इस प्रकार से। देन यहां पर हम डबल क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल बी से। जब आप पेस्ट करेंगे यहां पे नाम वही आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर यहां पर चेंज कर देते हैं 6, ये बी एस पर मारा गया है। अब ये कॉलम हम थोड़ा छोटा कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इस कॉलम को आप चाहें, इसको भी हम चाहें तो थोड़ा छोटा कर दें, ये सुविधा के हिसाब से कैसा दिखना है। फॉर्मेटिंग तो हम वेल कर ही देंगे, ठीक है। ये कहाँ तक चाहते हैं वहां तक आप बॉर्डर को इंटरनल बॉर्डर नो बॉर्डर कर देंगे और आउटसाइड बॉर्डर सेट कर देंगे। ये हो गया। अब इस पैरामीटर को भी थोड़ा स्पेशल चाहते हैं, इतने पैरामीटर को तो आप कलर कोई भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर, ताकि वो थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे, है ना। बाकी का डिफरेंट कर सकते, अभी बहुत सारी कंडीशन है इसमें। अब ये तो एसएससी का कोर्स उठाया, कंडीशन एसएससी का स्टूडेंट हो तो एसएससी का है, और यदि एमपी पुलिस का है तो एमपी पुलिस का है, ठीक है। तो वी लुकअप कहाँ चले वो भी हम इस कोर्स से डिफाइन करेंगे यहां से। तो जब एमपी पुलिस आप सिलेक्ट करेंगे तो एनरोलमेंट क्या आएगा, M22JA1। देखिए इसमें यही है क्या, M22 जुलाई भी है और JA1 भी है, स्टार्टिंग में जुलाई यहाँ पे डल गया था। फिलहाल जे हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या चाहते हैं वो मिक्स एनरोलमेंट भी हो सकता है इस, हालांकि एक सेशन के सारे स्टूडेंट ही आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, तो मिक्स नॉर्मली नहीं होगा। 6 महीने के बाद ही जुलाई का सेशन आएगा, तो वो वहां के सारे सेफ उधर ही रहेंगे, मतलब मिक्स यहाँ हो गया, सिलेक्ट गलत किया था। तो ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर को कि कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, आप कैसे दे रहे हैं, वो देना पड़ेगा। तो यहां पर हम JA M22 JA4, अब देखिए स्लिप पे चलते हैं, M22 J1 है ना, वन तो नहीं होगा, अब हमारा फोर होगा क्योंकि हमारे उसमें फोर बैठा हुआ है। फिलहाल के लिए हमें फोर को समझना है, इसको हमें सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, सेंटर कर देते, थोड़ा अच्छा लगे, ठीक ठाक। डेटा डिजाइनिंग में डेटा कोई एप्लीकेशन बनाए तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक डिजाइनिंग भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है, तो कोशिश करें कि आपका डिजाइनिंग पैरामीटर भी अच्छा हो, ठीक है। चलिए आगे कंडीशन, तो फॉर्मूले को भी आप नोट करके स्क्रीन पॉज करके, स्क्रीन पॉज कर सकते हो, स्क्रीन शॉट आप नहीं ले सकते ऐप पर, आप स्क्रीन शॉट नहीं ले पाएंगे ऐप पर। यदि आप पढ़ रहे हैं शुभम अकेडमी ऐप डाउनलोड करें, वहां पर सभी वीडियो वन बाय वन प्रॉपर मिलेगी आपको, और इन सब के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसमें आप टेली की वीडियो भी मिल पाएंगे आपको और एक्सेल के मिल रहे हैं, कंप्लीट पैरामीटर मिलने वाला है, और वो भी हम काम करेंगे कि आप घर बैठे सारी चीज़ व्यवस्थित तरीके से सीखें, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिकल व्यवस्थित तरीके से करना पड़ेगा वन बाय वन। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा झूम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि एमपी पुलिस के समय एमपी पुलिस का यहाँ पर एनरोलमेंट जनरेट हो रहा है, लेकिन वी लुकअप में हैज वैल्यू आ गया क्योंकि वो नंबर मिल नहीं पा रहा है, एम नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो हम कंडीशन लगा सकते हैं ना, क्या कंडीशन लगाएंगे कि यदि यहां पर इफ यदि क्या हो, यदि इस सेल एड्रेस में इस सेल एड्रेस ने B7 इक्वल क्या हो, SSC हो, SSC हो, तो वी लुकअप कहां चले, तो वी लुकअप कौन से सीट पर चल रहा है, SSC वाली। देखिए लिखा है SSC BJ से, बी से जे तक, बी का नंबर नहीं दिया हमने, पूरा नंबर ले लिया है, इसलिए तो एसएससी वाली सीट से डेटा उठा करके लेके आएगा। लेकिन यदि यहां पर क्या हो, एमपी पुलिस हो, तो फिर एमपी पुलिस वाला मामला, अब ये फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर एसएससी नहीं है, यहां पर क्या है, एमपी पुलिस है। तो हम नेक्स्ट में क्या दे सकते हैं, नेक्स्ट में सेम फॉर्मूला, आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे एमपी पुलिस लगा देना, लेकिन फिलहाल हम नहीं कर रहे, समझने के लिए। अगला, ये कंडीशन बंद हुआ, बंद होने के बाद फिर कॉमा लगाइएगा और यहां से स्टार्ट करते, इफ यदि क्या हो, यदि इस सेल में यानी B7 इक्वल एमपी पुलिस, एमपी डैश पुलिस एज इट इज लिख देना, एमपी पुलिस हो, तो क्या करे, वी लुकअप, वी लुकअप कहां से चले, इस इनरोलमेंट से C8 इक्वल, सॉरी वी लुकअप लगा दिया ना, इक्वल लगाने की जरूरत नहीं, कॉमा टेबल अरे, तो टेबल अरे कौन सी है, अब एमपी पुलिस की टेबल अरे है, और एमपी पुलिस की भी टेबल अरे कहां से कहां तक है,
तो वही बी से जे तक आप सिलेक्ट कर ली। ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते, बहुत अच्छा है कि आप सिलेक्ट करें कंट्रोल डाउन, ऐसा नहीं करते भाई, कॉलम को सिलेक्ट करिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कॉमा इसमें भी कहाँ है, इसमें भी पांचवें नंबर पर नाम बैठा हुआ है, कॉमा 0 एंटर यस कर देना करेक्शन को। अब देखिए श्रिया ए ए आ गया इसमें, क्यों आ गया, J4 पर श्रिया ए ए क्या, देखिए ये नाम डला हुआ। अब यदि हम 3 देते हैं, अब 3 कहाँ देना है, फिसली पे चलते हैं, यहां 3 दीजिए आप, सतीश आ जाएगा, ये सतीश आ गया। यदि ये कोर्स चेंज होता है, एमपी पुलिस की जगह क्या हुआ, एसएससी हुआ, तो एसएससी का 3 नंबर यहां पर जे पे नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये मिस्टेक होगी, जुलाई सेशन में भी नहीं है, तो देखते हैं ऐसा। एसएससी JA3, एसएससी JA3, S22J3, देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो रही है, फॉल्स बता दिया क्योंकि इसने। इसमें हमने B7 दिया है, इफ यदि B7 इक्वल SSC हो तो वी लुकअप C8 5 चलना चाहिए। JA3 यानी ये नाम आ जाना चाहिए था, हल्की फुल्की कहीं कोई माइनर मिस्टेक है। फोर फाइव फॉल्स बता रहा है। एस देखिए कहाँ मिस्टेक है, SSC हमने यहाँ SSC लिखा, यहाँ पे क्या लिख दिया, SCC लिख दिया, ये माइनर मिस्टेक जो पकड़ में कभी कभी नहीं आती, गलत हुआ यहाँ, गलत हुआ है वहाँ, सब सही है, तो हमें यहाँ SSC करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वही डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में हमारी जो लिस्ट है, सॉरी यहाँ नहीं है, कहाँ है हमारे कोर्स एडमिशन में, तो यहाँ SSC SCC हो गया, SSC, चलिए फीस स्लिप में सब मामला ठीक ठाक हो गया होगा। SSC यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुआ, तो एक बार हम लिखने की परमिशन तो है ही नहीं, SSC सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए SSC में 5 आ गया है और 4 में अमित आ रहा है, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, SSC लेंगे, SSC का आएगा, MP पुलिस का स्टूडेंट है तो MP पुलिस का आएगा, तो ये फॉर्मूला आप नोट करिए। और ये तो एनरोलमेंट नंबर जनरेट करने वाला है, ये तो बखूबी आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद हमने लगाया है इफ वी लुकअप का, अभी ये सिर्फ 2 सीट का है, ज्यादा कंडीशन है नहीं है, क्या दिया है, इफ यदि B7 में SSC हो तो वी लुकअप SSC वाली सीट पे चले, कॉमा फिर क्या दिया, यदि B7 में MP पुलिस हो तो वी लुकअप MP पुलिस से चले, ये 2 सीट से है, बाकी सीट में हमारे अन्य कोर्स है, SSC एंड अदर, SSC तो हो गया, अदर ऑल कॉम्पिटिशन, 2 सीट और हम यहाँ पे बनाएंगे, तो वहां से डेटा बखूबी ये लेगा। अब आती है बात फादर नेम जो हमने डाल दिया है, फीस उसमें, फीस में भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, इतना प्रैक्टिकल करिए और वन बाय वन कंटिन्यू, वीडियो लिंक सॉरी वीडियो कंटेंट आपको लेना है यानी समझना है, तभी आप एडवांस एक्सेल बखूबी सीख पाएंगे, और वन बाय वन आप सीखेंगे सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी, ठीक है।